Please share it to all your contact. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanus Safa. Yaran Ba Safa. Abdullah bin Muqaffa ki kitab Kalila wa Dimna jo mashhoor kitab hai, ye asal kitab Sanskrit mein thi. Abdullah bin Muqaffa ye Abbasi adib hai jisne is kitab ko Arabi mein tarjuma kiya. Wo Sanskrit kitab jo hai wo khatam ho gayi duniya se, lekin uska ye tarjuma aaj tak duniya mein baki hai. To us kitab ka ye ek sabak hai. فبينما الغراب في كلامه دري اثنا کہ کوا اپنی بات میں مشغول تھا اذ اقبل نحوهم زبی یسعى کہ اچانک ان کی طرف ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا فزعرت منه السلحفاه تو اسے کچھوا ڈر گیا سلحفاہ کچھوے کو کہتے ہیں فغاصت فی الماء तो कछुआ पानी में घुस गया वह खरज जुरजु इला जुहरी और चूहा अपने बिल की तरफ निकल गया वह तारल गुराबु और कौवा उड़ गया यानी इनकी इन सबकी मजलिस थी कि अचानक कोई खौफ महसूस हुआ तो ये अपनी अपनी जगह बना के भाग गए फवक्का अला शजरती तो वो दरख्त पे जाके कौवा बैठ गया ثم ان الغراب حلق في السماء फिर कौवा आसमान में उड़ा حلق कहते हैं मंडलाना उड़ना لينظر ताकि वो देखे هل للذبي طالب कि क्या कोई हिरण का तालिब है कोई शिकार है कि हिरण भागता हुआ क्यों आया था فنظر तो कौवे ने चारों तरफ उड़ के देखा فلم يرى شيئا तो उसने कुछ भी नहीं देखा फनादल जुरज व सुलहफात तो कौवे ने चूहे और कछुए को आवाज लगाई व खरज और वो दोनों निकल कर अपनी मीटिंग और महफिल में सब बातें कर रहे थे उस तरफ दोबारा वापस आ गए और वहाँ हिरन भी मौजूद था तो इन सब ने आके वहाँ जब सब जमा हो गए फकौलत सुलहफात लिज़्ज़बी तो कछुए ने हिरन से कहा हीन रअतु जिस वक्त हिरन को देखा यंजुरु इलल माई कि हिरन पानी की तरफ देख रहा है इशरब तुम पानी पियो इन कान बिका अतशुन अगर तुमको प्यास लगी है वला तखफ और तुम खौफ मत करो फइन्नहु ला खौफ अलैक इसलिए कि यहाँ तुम पर कोई खौफ नहीं है फदनज जबियु तो हिरन करीब हुआ फरहबत बिही सुलहफात व हय्यतु फिर कछुए ने उसका इस्तकबाल किया और उसका खैर मकदम किया व कौलत लहु और उससे कहा मिन ऐन अकबलत ए हिरन तुम यहाँ कैसे आए कौल तो हिरन ने कहा कुंतु अस्नहु बिहादिही सहारी मैं इन जंगलों में घूम फिर रहा था فلم تزل الأساغرة تطردني من مكان إلى مكان تو مجھے تیر برابر کھدیڑتے رہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف یعنی شکاروں نے میرا پیچھا کیا ہوا تھا تو پیچھا کرتے کرتے وہ مجھے بھگاتے رہے تو میں یہاں تک پہنچا حتی رأیت اليوم شبحا یہاں تک کہ آج میں نے एक परछाई देखी यानी मुराद मैंने एक शिकार को देखा फखिफ्तु अन यकून कानिसन तो मुझे डर है कि कहीं वो शिकारी न हो तो ये शिकारी होगा तो मेरा शिकार कर लेगा कौल तो कछुए ने कहा ला तखफ तुम खौफ मत खाओ फइन्ना लम नरहाहु ना कानिसन कत्तु हमने कभी भी यहाँ इस जंगल में किसी शिकारी को नहीं देखा है वनहनु नबज़ुल उद्दना व मकानना हम यहाँ अपनी मोहब्बत और अपनी जगह को सर्व करेंगे यानी हम यहाँ मोहब्बत से साथ रहेंगे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का मामला करेंगे और हमारे घर भी खुले हुए हैं तुम यहाँ मेहमान रहोगे वस्समाउ वल मरआ कसीरान इंदना और समा या अलमा भी मुराद है बारिश और चरागा और माँ है तो पानी और चरागा
यहाँ हमारे यहाँ बहुत है, यानी गोया के हर तरफ हमारे यहाँ सब्जा है, पानी है, यानी जानवरों को अपनी जिंदगी गुजारना यहाँ कोई मुश्किल नहीं है। फरगब फी सोहबतीना, तो तुम हमारी सोहबत में रगबत करो और हमारे साथ रहने में दिलचस्पी रखो। कौम जबी माहुम, तो हिरन उनके साथ ठहर गया। वकान लहुम अरीशुन यजतमिउन फीही, और उनकी एक झोंपड़ी थी जिसमें ये सब गोया के एक दोस्ती सबकी बनी हुई थी और ये सब वहां जमा होते थे। वयतदाकरून अहादीस वल अखबार, और बातें और खबरों के बारे में तस्किरा करते थे, यानी जिस तरह इंसान वगैरह चौपालों में बैठते हैं इस तरह ये जानवर, तो उनकी भी एक गोया चौपाल था, तो वहां आके लोग क्या करते थे, इधर उधर की गप्पा शप्पा करते रहते थे। बहरहाल ये हो रहा था कि अचानक फबैनमल गुराबु वल जुरजु वस्सुलहफातु ज़ात यौमिन फिल अरीशी, दरियसना के कौवा चूहा और कछुआ एक दिन अपनी झोंपड़ी में बैठे हुए थे। गाबर ज़बियो, हिरन गायब हो गया। फतवक्कअहु साअतन, तो उन्होंने उसका कुछ देर इंतजार और तवक्को किया कि रोजाना 10 बजे या 11 बजे सब जमा होते थे, तो एक दिन ये हिरन आने में ताकिद की ताकिद करते करते वो उसका इंतजार करते रहे। फलम यक्ति, फिर भी वो आया नहीं। फलम्मा अबतर, जब उसने आने में बहुत ताकिद कर दी, अबतर युक्ति युक्तान के मैंने ताकिद करना, अशफकू, तो उनको डर हुआ, यकून कद असाबहु अनतुन, कि हो सकता है कि उसको कोई परेशानी और कोई मुसीबत लाही हुई है। फ़कौल जुरजु वस्सुलहफातु लिलगुराबी, तो चूहे और कछुए ने कौवे से कहा, उन्जुर हल तरो मिम्मा यरीना शैयन, तुम देखो तो सही, क्या हमारे आसपास कोई कोई चीज़ कोई खतरा तो तुम देख रहे हो, यानी आसमान में उड़ कर देखो कि यहाँ पे करीब में कोई शिकारी वगैरह उसने इसका शिकार तो नहीं कर लिया है। फहल कल गुराबु भिस्समाई, तो कौवा आसमान में उड़ा। फनजर, तो उसने देखा। फइज़ ज़बयु फिल हबाइल मुख्तनसन, तो उसने देखा कि हिरन तो शिकारी की जाल में शिकार किया हुआ है, यानी शिकारी ने जाल रखा हुआ है, उस जाल में ये फंसा हुआ पड़ा है। फनकज़ मुसरियन, तो वो जल्दी से वापस आया। फअखबरहुमा बिदालिका, तो उसने उन दोनों को इसके बारे में आकर बतलाया। फ़कौलत सुलहफ़ात वल गुराबु लिलजुरदि, तो कछुए और कौवे ने चूहे से कहा, हाजा अम्रुन ला युर्जा फीही गैरुक, ये मामला ऐसा है जिसमें तुम्हारे अलावा किसी और से मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती है, यानी यह तुम्हारा काम है कि तुम ही मदद कर सकते हो। फअगिस अखाका, तो अपने भाई की मदद करो इस तौर पर कि तुम फटाफट वहां पहुंचो और गोया के उस शिकारी के जाल को कतर दो, और कतर कर जो है तुम इसको बचा लो। फसाल जुरजु मुसरियन, तो चूहा तेजी से भागा। फतजविया, तो वो हिरन के पास आया। फकौल लहू, फिर उससे कहा, कैफ वक़अत फी हादिहिल वर्दती, वर्दतुन के माने आते हैं कीचड़ के, यानी तुम कैसे इस कीचड़ में इस मुसीबत में तुम कैसे फंस गए। वो अंत मिनल अकियासी, और तुम तो दाना और अकलमंद लोगों में से थे। कौल ज़बियु, हिरन ने कहा, हल युग्निल कैसु मअल मक़ादीरी शैयन, क्या अकलमंदी तकदीर के सामने कोई फायदा दे सकती है, यानी मेरी तकदीर में लिखा हुआ था कि इस तरह मैं जाल में फंस जाऊंगा, तो मैं फंस गया। फबैनमा हुमा फिल हदीसी, वो दोनों इसी तरह बात कर रहे थे, इज वाफत हुमा सुलहफातु, वाफा युवाफी मुवाफात के माने आना, कि अचानक कछुआ उनके पास आया। फकौल लहज़बियु, तो हिरन ने उसे कहा, मा असबती भी मजी की इलेना, तुम हमारे पास आकर अच्छा नहीं किया, इसलिए कि तुम भारी भरकम जिस्म वाले हो, हम तो क्या है कि मैं जाल कतर दूंगा और मैं शिकार आज ऐसा शिकारी कभी आ भी जाएगा तो मैं भाग के बिल में घुस जाऊंगा, और ये हिरन तेज दौड़ने में वो फलांगी लगा तो वह भाग जाएगा और तुम फंस जाओगे मुसीबत में। फइन्नल क़ादिसा लबिन्तहा इलैना, तो अगर शिकारी हम तक आ पहुंचा, वक़द क़ता अल जुरज अल हबाइल,
इस हाल में कि चूहा रस्सियों को काट चुका होगा। इस तबक तो हूँ अद्वन, तो मैं तो क्या होगा उससे अद्वन अदा यादू अद्वन के माने तेज भागना तजावुज कर जाना, तो मैं उससे भागकर आगे बढ़ जाऊंगा। यानी शिकारी को मैं शिकारी मुझे पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए कि शिकारी से ज्यादा तेज दौड़ने में मैं हूँ। वलील जुरदी अजहार कतीरा, और चूहे के लिए तो बहुत ज्यादा बिल है, वो किसी बिल में घुस जाएगा। वल गुराब यतीरु, और कौवा उड़ जाएगा। वह अंति सतीरतु, और तू भारी भरकम जिस्म वाला है। ला सय लकी वला हरकत, तेरे लिए न भागना आसान है और न हरकत करना आसान है। वह अखाफु अलैकिल कानिस, और मैं तुझ पर शिकारी का खतरा महसूस करता हूँ। और तो कछुए ने कहा, ला आयश मा फिराकिल अहिब्बती, महबूब और दोस्तों की जुदाईगी के साथ कोई भलाई नहीं है। कि मेरे सारे दोस्त मेरे एक दोस्त की मुसीबत में मदद करने के लिए पहुंचे और मैं अकेला झोंपड़ी में बैठा रहूं, ये मुनासिब नहीं था। तो मुझे भी वह के दोस्तों की हमदर्दी यहाँ खींच लाई है। वहीदा फारकल अलीफ अलीफ हो, और जब दोस्त अपने दोस्त को छोड़ देता है, फकद सुली बफ आज हो, तो उसके दिल को छीन लिया जाता है। यानी एक आदमी बगैर दोस्तों के क्या है, महरूमुल कल्ब जैसी उसकी ज़िंदगी होती है, यानी उसको ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है। वह हुरीम सुरूर हो, और उसकी खुशी से वो अपनी खुशी से महरूम हो जाता है। वह गुस्सी बसर हो, और उसकी निगाह पर पट्टी बांध दी जाती है, यानी उसके सामने दुनिया अंधेरी मालूम होती है। यानी कहने का मतलब वह के कछुए ने कहा कि दोस्तों के बगैर जिंदगी तो क्या मजा। तो ये दोस्त सारे एक दोस्त की मुसीबत में मदद के लिए पहुंचे थे, और मैं अकेला क्या नाम झोपड़ी में बैठा रहूं, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ पहुंचा। फलमियन तही कलाम हुआ, कछुए की बात पूरी हुई नहीं थी, हत्ता वाफल कानिस, यहाँ तक कि शिकारी आ पहुंचा। वाफक धालिक फराबुल जुरदी मिन कतई शरकी, और ये इत्तिफाक उस वक्त हुआ था कि चूहा जाल को काटने से फारिग हो चुका था। यानी यहाँ चूहा पूरी जाल काट चुका था, और काटने के बाद शिकारी की वहां आमद और वहां पहुंच हुई। बहरहाल तो जैसा कि उसने पहले भी कहा था उसी मुताबिक हुआ। फन जज़बियु बिनफ्सी ही, तो चूहा तो हिरन अपना बचाव करके भाग गया। वतारल गुराबु मुहल्लकन, और कौवा आसमान में उड़ गया। वदखलल जुरदु लिबादिल अजहारी, और चूहा किसी बिल में घुस गया। वलम यब्क गैरु सुलहफाती, कछुए के अलावा कोई बाकी नहीं रहा। वदन सयालु, और इधर शिकारी करीब हुआ। फवजद इबालतहु मुकत्तअतन, तो उसने अपने जाल को टूटा हुआ पाया। फनजर यमीनन व शिमालन, तो उसने दाएं बाएं देखा। फलम यजिद गैर सुलहफाती तजिब्बु, तो उसने कुछ कछुए के अलावा नहीं पाया जो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ चल रहा था। तो फअखदहा, तो उसको गुस्सा आया कि मानो न मानो किसी ने कुछ किया है। फअखदहा व रबतहा, तो उसने उसको पकड़ लिया और उसको बांध दिया। फलम यलबतिल गुराबु वल जुरदु वज़्ज़बियु अन इज्तमऊ, तो कौवा चूहा और हिरन नहीं ठहरे कि फिर वो दोबारा जमा हुए। कि एक साथी मुसीबत से बचकर आ गया, और दूसरा शख्स और हमारा दूसरा दोस्त मुसीबत में फंस गया। फनजरुल कानिस, तो उन्होंने शिकारी को देखा। कद रबत सुलहफात, कि उसने कछुए को बांध रखा है। फश्तद हुज्नुहुम, तो इनका गम सख्त हो गया, ये लोग गमजदा हो गए। वकौल जुरजु, चूहे ने कहा, मा अरोना नुजाविजु अकबतम मिनल बलाई इल्ला सिरना फी अशद मिन्हा, मैं अपने आप को नहीं देखता हूँ कि हम मुसीबत की एक घाटी को पार करते हैं, मगर उससे ज्यादा सख्त घाटी में हम वाके और फंस जाते हैं। कि वहाँ हिरन फंसा था, हिरन को बचा लिया, तो वहाँ तो आसान था कि हिरन भाग गया। इसकी अगर रस्सी वगैरह काट भी डालेंगे
तो ये तो वैसे भी रेंगता हुआ जा रहा है, तो फिर दोबारा आके शिकार क्या करेगा, शिकार इसको बांध देगा और उसको सजा देगा। वलकद सदक अल्लज़ी क़ाल, और कहने वाले ने सच कहा है, ला यज़ालुल इंसानु मुस्तमिरन फी इक़बालिही, कि इंसान बराबर अपनी तरक्की पर रहता है, मालम यासिर, जब तक कि वो ठोकर नहीं खाता है, फ़ैज़ा असर, और जब उसको एक मरतबा ठोकर लगती है और जब उसको एक मरतबा कोई मुसीबत लाइक होती है, लज्जा जतन के माने आते इसरार करना, यानी उसको बराबर ठोकर लगी रहती है। कि आदमी चलता है और अचानक कोई गाड़ी ऊंधी चलने लगती है, पटरी ऊंधी चलने लगती है, तो बार बार उस पर एक हालात से दूसरे हालात, बड़े से बड़े हालात पेश आते रहते हैं। वह इन मशाफी जदिल अर्जी, अगर के वो मुसत्ता जमीन पर चलता रहे, यानी कितने ही एहतियात बरते, कितने ही चौकन्नाई के साथ चलता रहे, लेकिन हालात से हालात में फंसता रहता है। वह हजरी अल सुलफाती, और मेरा डरना कछुए पर, जो मैंने अंदेशा किया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। खैरुल अज़दिकाई अल्लती खिल्लतुहा लैसत लिल मुजाज़ाती वला लिल तिमासी मुकाफ़अतिन, और दोस्तों में से बेहतरीन दोस्त वो है कि जिसकी दोस्ती किसी बदले और किसी मुकाफात और बदले के लिए न हो। तो वो दोस्ती कैसी दोस्ती है, वलाकिन्नहा खिल्लतुल करम व शरफी, तो ये दोस्ती करम और शरफ की दोस्ती होती है। तो इस मौके पर हमारी ये दोस्ती, क्योंकि हम लोग कोई दोस्ती आपस में इख्तियार की है, तो ये दोस्ती कोई बदले के लिए नहीं है, बल्कि हम वफादार और याराने बासफा हम लोग हैं, तो हमारी दोस्ती यहाँ होनी चाहिए और उसका हक अदा होना चाहिए। अब कुछ भी है, कछुआ मुसीबत में फंस चुका है, तो उसको बचाना है। खिल्लतुन हिय अफज़लु मिन खिल्लतिल वालिदी लिवलदिही, तो करे ये दोस्ती उस दोस्ती से अफजल होती है जो वालिद की अपने लड़के के साथ दोस्ती होती है। यानी वालिद का ताल्लुक अपने औलाद के साथ जो होता है, वो बसा औकात मान पड़ जाता है। हकीकी दोस्ती और मुखलिस दोस्ती की जो दोस्ती होती है, और उस वक्त तो उनका जो जज्बा होता है वो उससे बड़ा हुआ होता है। ला युज़ीलुहा इल्लल मौतु, जिस दोस्ती को मौत ही खत्म कर सकती है। वैहलिहादल जसदिल मुअक्कली, और तबाही हो बर्बादी हो इस जिस्म के लिए जिसके साथ मुसीबत को लाहिक किया गया है। अल्लज़ी ला यज़ालु फी तसर्रुफिन व तकल्लुबिन, जो जिस्म बराबर तसरुफ और तकल्लुब में रहता है, यानी इंसान और इंसानी जिंदगी हमेशा हालात में रहती है, एक मकाम पर और एक सतह पर रहती नहीं है। वला यदुमु लहु शैउन, और उसके लिए कोई चीज हमेशा बाकी नहीं रहती है। वला यनबतु माहु अम्रुन, और उसके साथ कोई मामला ठहरा नहीं रहता है, बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी मुतग़य्यिरुल हाल है, कि वो एक हालत से निकलता है तो दूसरी हालत में, दूसरे कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, यानी एक हालत पर रहती नहीं है। जिस तरह ला यदुमुली तालिकी मिनन नुजूमी तुलुउन, तुलु होने वाले सितारे के लिए तुलु हमेशा बाकी नहीं रहता है। वला लिल आफिली मिन्हा उफूलुन, और न गुरूब होने वाले सितारे के लिए गुरूब हमेशा होता है। लाकिन ला यज़ालु तालिउ मिन्हा आफिलन, लेकिन उसमें से तुलु होने वाला सितारा तो बराबर गुरूब होता है। वल आफिलु मिन्हा तालिअन, और उसमें से गुरूब होने वाला सितारा तुलु होता रहता है। व कमा तकूनु आलामुल कुलूबि व इंतिकादुल जराहाती, इसी तरह जख्मों की तकलीफ और जख्मों का हरापन होता रहता है। कदालिक मन करिहत कुलूमुहु, इसी तरह दोस्तों के और इंसानों के जख्म हरे हो जाते हैं उनके दोस्तों के गुम हो जाने के बाद, बाद इज्तिमाई बिहिम, बात इसके कि वो आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, तो गोया के दोस्तों के भी जख्म क्या है कि दोस्तों की वजह से, कि दोस्त मुसीबत में रहता है, जो तो बात ये कि मुसीबत हमेशा रहती नहीं, आज मुसीबत है उसकी वजह से गम है, तो मुसीबत के बाद आसानी भी है। जिस तरह तुलु होने वाले सितारा हमेशा तुलु नहीं रहता है बल्कि
वो गुरु भी होता है, गुरु होता है तो वो टुलु भी होता है। तो इसी तरह हम यकीनन यहाँ गम और मुसीबत में फंसे, हालात में फंसे, जिसकी वजह से गम है, लेकिन ये गम हरे भी होते हैं, लेकिन उस पर गोया के जब हालात छड़ जाते हैं तो उस पर मरहम भी तारी हो जाता है। बहरहाल इस तरीके से गोया की उनकी ये बात चल रही थी, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका तस्किरा अब आगे आएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।